नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोमानिया कंट्री और उसकी करेंसी के बारे में। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये रोमानिया कंट्री के नोट्स हैं। रोमानिया जिसकी राजधानी बुचारेस्ट है, रोमानिया की जो कैपिटल है वो बुचारेस्ट है, और यहाँ पर जो आबादी है रोमानिया की वो तकरीबन 1,94,00,000 है 2019 की जनगणना के अनुसार। एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जो रोमानिया की आबादी थी सन 2011 में वो थी 2 करोड़, लेकिन 2019 में इसकी जो आबादी है वो घट के रह जाती है सिर्फ 1,94,00,000। तो ये बहुत ही कम कंट्रीज़ के अंदर होता है कि उनके अंदर जो आबादी है आफ्टर 8 to 9 ईयर्स यानी 8 और 9 साल के बाद भी कम हो गई है। तो यहाँ पर जो बर्थ रेट है इसका मतलब कम है, यहाँ पर आबादी कम बढ़ रही है। अब बात करते हैं रोमानिया की और चीज़ों के बारे में। जैसे कि रोमानिया का जो बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो रोमानिया का बॉर्डर टच करता है ब्लैक सी से टू द साउथ वेस्ट, बुल्गारिया से साउथ, यूक्रेन से नॉर्थ, हंगरी से वेस्ट और सर्बिया से साउथ वेस्ट और मल्डोवा से ईस्ट में। तो रोमानिया जिसकी करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो ली ई आई ली है, रोमानी ली। और अगर हम इसको हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो ये जो आप ऊपर वाला नोट देख रहे हैं ये 10 का नोट है, इसकी कीमत तकरीबन INR में 165 रुपये है, यानी एक रोमानियन ली 16.5 पैसे का होता है। और ये 5 वाला ये 85 से लेकर 90 रुपीज़ तक होता है अगर हम डायरेक्ट कन्वर्ट करें फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से। तो लेकिन ये नोट्स रोमानिया की जो करेंसी है वो इंडिया में कम मिलती है और ये कलेक्टेबल है। अगर आप इसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कम दामों पर आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती है। तो अगर आप इसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इन दोनों नोटों की कीमत देनी चाहिए। तकरीबन 10 वाला नोट आपको 300 से 400 में मिल जाना चाहिए और 5 वाला नोट 100 से 150 रुपये में। तो दोस्तों आज हमने जाना रोमानिया जो कि यूरोपियन एक कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, उसके बारे में और उसकी करेंसी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी कंट्री के बारे में आपको बताएँ तो आप सीधा जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस कंट्री के बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।